All right, so namaste everyone, welcome back in the another video. I hope कि आप सब बढ़िया और बढ़िया ही रहना. One minute. Okay, अब ready. तो आज का जो ये video होगा ये fitness के ऊपर होगा. आज मैं आपको top 5 exercise बताऊंगा जो आपके upper body के लिए बहुत ज़्यादा beneficial होगा. इससे आपके abs maintain रहेंगे और आप खुद भी maintain रहोगे. तो चलो फिर start करते हैं. So guys, first जो exercise होगा उसे कहते हैं हम लोग narrow push-up. इसे हम शॉर्टली हम डायमंड पुशअप भी कहते हैं. और बस आप मेक श्योर कीजिए कि आप जब पुशअप मारोगे ना तो आपका जो ये चेस्ट होगा वो आगे होना चाहिए इसे, ना कि ऐसे अंदर होना चाहिए. ओके, तो चलो फिर ट्राई करते हैं, पुशअप मारते हैं. पहले डायमंड बनाओ, फिर करो मेक श्योर करो, फिर वन. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मारते हो. आप 10 मार सकते हो, 15 मार सकते हो, 20 मार सकते हो. ओके गाइस, सो 10 से 15 सेकंड का रेस्ट होने के बाद हम सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे जिसका नाम है आर्म वॉकिंग पुशअप. ये आपके चेस्ट के लिए, आपके एब्डोमेन के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है. तो चलो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करते हैं. तो फर्स्ट आपको ना हाथ के ऊपर वॉक करना है ऐसे, 1 2 3 4, फिर आपको पुशअप मारना है, फिर वापस ऊपर आना है, फिर वापस पीछे जाना है, 1 2 3. तो जो जितना मैंने स्टेप आपको बताया तो मेक श्योर कीजिए कि आप उतने स्टेप में ही कंप्लीट करें. एक्सरसाइज हो गया, अब हम फिर से 10-15 सेकंड का रेस्ट लेंगे. थर्ड जो एक्सरसाइज होगा वो है लेग रेसेस. ये जो लेग रेसेस है आपके लोअर एब्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा. आपके लोअर एब्स यानी आपके ये जो ये वाली एरिया है एब्स के, तो मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ कैसे करते हैं. फर्स्ट आपको एक जगह पे लेटना है, मेरा आप लेट जाइए. ओके, आपका जो हैंड है बम के नीचे से. जो आपका स्टमक वाला एरिया, जितना भी आपका ये जो एब्डोमिन एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, खास करके आपके लोअर एब्स पे, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था. अब जो फोर्थ एक्सरसाइज होगा उसका नाम होगा प्लैंक नी टू एल्बो. तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपको ये करना कैसे. ओके, आपको मैं दो साइड से बताऊँगा. फर्स्ट आपको वो यहाँ से बता देता हूँ. आपको पहले नॉर्मल, जैसे आपको पता है कि प्लैंक कैसे करते हैं, पहले आपको प्लैंक करना है. ओके, आगे देखना है. और आपका ये जो नी है, लेग का नी है, आपके एल्बो को टच करना है. ओके, अब सामने से कैसे दिखता है आपको पहले ये करना है. ओके, लेग नी है, अब यहाँ पे आपको जाना है, फिर नी टू एल्बो, नी टू एल्बो, नी टू एल्बो. तो हम लोगों ने 4 एक्सरसाइज सक्सेसफुली कर लिया है. ये जो है 5वां एक्सरसाइज है और ये लास्ट एक्सरसाइज है और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. तो एक्चुअली ये एक्सरसाइज आपको कोर स्ट्रेंथ देगा. ओके, आपके एज वेल एज आपको स्टेमिना देगा. इससे आपकी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी. और एज वेल एज ये आपको बैक इंजुरीज और बहुत सारे बैक प्रॉब्लम से आपको बचाती है. तो अभी मैं आपको बताता हूँ उसको करते हैं. सर तो करते चलो, 5 6 7 go start. Okay. मैंने दो ज़्यादा मार लिया, कोई बात नहीं, आप 8 मार सकते हो. अब आपको सेम करना है, आपको ये हैंड आपके शोल्डर पर रखना है, हाथ ऐसे रखना है और आपको ऊपर जाना है. okay.
साइड का मैंने 10-10 सेट किया, आप 8-8 भी कर सकते हो। ओके ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने जो आपको टॉप 5 एक्सरसाइज बताया ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। तो पता है ना, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन दबाना है। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना। और हाँ, मैंने जो 5000 वाला गिव अवे रखा है वो मैं भूला नहीं हूँ, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करो। विनर इंतज़ार कर रहा है।